हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल एंड कैलेंड प्लस। अब हम अपने इस चैनल पर कुछ मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को देख रहे थे, अब कुछ मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो होता है, इसमें हम इकोनॉमिक्स को देखेंगे और स्टैटिक्स, बिजनेस स्टैटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड वेरियस सब्जेक्ट्स एज योर डिमांड। जैसा कि आप डिमांड करेंगे, उसी बेस पर यहाँ पर और सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो मैं उसके डेमो के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड। देखिए, जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत से टाइप के अकाउंट्स बनाने होते हैं, ठीक है। बहुत से टाइप के जब हम अकाउंट बनाते हैं तो क्या क्या होता है। जनरल बनाया जाता है, लेजर बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। आइए, अगर बेसिकली अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, ठीक है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो सारी चीज़ों को जिस बुक में हम नोट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग उसे बोला जाएगा, ओके। एकदम सिंपल आपकी लैंग्वेज में सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। और देखिए, जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं या अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो इसमें हमें जनरल बनाना पड़ता है, जनरल एंट्री जिसकी बात करते हैं, ठीक है, जनरल एंट्रीज की बात करते हैं। फिर जनरल एंट्रीज हमारी बन जाती हैं, उसके बाद क्या करते हैं, लेजर। सबका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, लेज़र बनाते हैं। जब अपना लेज़र बन जाता है, लेज़र बनने के बाद हम उसका एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अभी हम ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है, फिर हम एक फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट क्या होगा, इसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाएंगे और बैलेंस शीट की बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पर जो हम डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, हम डिफरेंस देखेंगे ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगी। मैं बस केवल इतना ही एरिया कवर करूँगा और इतने में ही आपको ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट के बीच जो डिफरेंस है समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपसे 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर रहेगा तो आप लिख पाएंगे। देखिए, यहाँ पर क्या बात करते हैं, यहाँ पर हम टाइम फैक्टर की बात करेंगे। अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें उसमें टाइम को भी तो डिनोट करना होगा। हम किस टाइम पर ये ट्रायल बैलेंस को बनाएं, ठीक है, क्या इसमें टाइम इम्पोर्टेंस रखता है या नहीं, बैलेंस शीट में टाइम इम्पोर्टेंस रखता है नहीं। तो देखिए, ये टाइम फैक्टर जो ट्रायल बैलेंस में है, आप यहीं से देख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस एक बैलेंस शीट से पहले होने वाली कोई प्रोसेस है। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें ये बैलेंस शीट आता है। बल्कि अगर ट्रायल बैलेंस की बात करें तो इससे पहले होने वाली कोई चीज़ है। तो जो भी समय है, हम किसी भी समय इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इट कैन प्रिपेयर या मेड एनी टाइम। ये हम किसी भी टाइम बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस। लेकिन जब हम फाइनल अकाउंट की बात करेंगे, जिसमें हमारा आता है बैलेंस शीट, तो इसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए पर्टिकुलर डेट रहेगी। जो पर्टिकुलर डेट रहेगी, हम उसमें बैलेंस शीट को बनाएंगे। पर्टिकुलर पीरियड रहेगा, उसमें हम बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो अगर हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या पीरियड रहता है, उसके लिए अपना पीरियड रहेगा फाइनेंशियल ईयर वाला। जो फाइनेंशियल ईयर वाला पीरियड है, वही रहेगा जो अपना 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जाता है।
ये फाइनेंशियल ईयर वाला अपना पूरा सीन है, और कैलेंडर ईयर अपना जाता है 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक। ओके, तो देखिए एक अपना ये हो गया, और दूसरे अगर इसमें बात करें दूसरे डिफरेंस की, टाइम हो गया, ये किसी भी टाइम बनाया जा सकता है। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट के लिए पार्टिकुलर डेट रहेगी, पार्टिकुलर डेट रहेगी। और देखिए दूसरा इसमें डिफरेंस क्या होने वाला है, इसमें पर्सनल अकाउंट, हमने 3 तरह के अकाउंट पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, हम तीनों तरह के अकाउंट को इसमें क्या करेंगे, डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस शीट में अगर बात करें तो पर्सनल और रियल अकाउंट को ही लिखा जाएगा, पर्सनल और रियल अकाउंट को ही यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ पर बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट को नहीं दिखाया जाता, क्योंकि हम इसमें एक्सपेंसेस की बात करेंगे। अब आइए इसके दो डिफरेंस और यहाँ पर लिख लेते हैं। ये अपना ट्रायल बैलेंस और ये अपना बैलेंस शीट। टाइम फैक्टर की बात हो गई है, पर्सनल रियल अकाउंट की बात हो गई है। अब अगला क्या इसमें स्टेप आने वाला है, ये पहले होने वाली प्रोसेस या बाद में होने वाली प्रोसेस है, तो अगर ये बात करी जाए तो जो इसमें डेटा होता है ट्रायल बैलेंस में, इसी डेटा को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। जब हम इसी डेटा को बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस मेक फॉर द चेकिंग द एक्यूरेसी, चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, जो ऊपर होने वाला जो भी सीन है, जितना एक्सपेंस हुआ है, जितना खर्चा हुआ, इसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ये काम किया जाएगा, ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। और एक दूसरी बात ये है कि ये जो बैलेंस शीट बनती है ट्रायल बैलेंस के ही बेस पे बनती है, तो इट इज़ द बेस फॉर द बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट का क्या है, बेस है। और अगर अब बैलेंस शीट के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, जब ये इसके बारे में बेस है, ट्रायल बैलेंस द बेस ऑफ द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, जब कोई हमारे पास बेस क्रिएट हो जाएगा उसी के बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा उसके बाद हम बैलेंस शीट को बनाएंगे। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को यहाँ पर चेक कर रहा था। तो बैलेंस शीट का क्या काम है, जो भी हमारे कंपनी में, जो भी हमारे बिजनेस में जो होने वाली चीज़ें हैं, उसमें खर्चे हैं, उसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करेगा। लेकिन जब हम एक साल के बाद, एक साल हो जाएगा, तो उस पीरियड के बाद जब हम बैलेंस शीट अपनी बना रहे हैं, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा हमें पोजीशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ कंपनी, ठीक है, जो हमारी एसेट्स हैं और कंपनी की लायबिलिटी है, इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देगा। तो क्या चीज़ होने वाली, एक यहाँ पर लिख लेते हैं ये और ये, कि ये बनाइए डिफरेंस, ये किसी भी समय बनाया जा सकता है, एट एनी टाइम किसी भी टाइम बनाया जा सकता है, इसके लिए पार्टिकुलर डेट रहेगी। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के लिए बनाया जाएगा, ये केवल पर्सनल और रियल के लिए बनाया जाएगा, पर्सनल और रियल के लिए बनाया जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें ट्रायल बैलेंस चेक द एक्यूरेसी कौन सी एक्यूरेसी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक ओनली द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बैलेंस शीट
फाइंड द पोजीशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स जो हमारी लगी हुई हैं, और लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। और तीसरा वो लास्ट वाला जो है, इट इज़ द बेस फॉर बैलेंस शीट, एंड हेयर बैलेंस शीट इज़ द प्रिपेयर्ड, इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रायल बैलेंस। ओके, थैंक यू। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही।